नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ मशरूम का सूप, और आप देख सकते हो कि ये सूप देखने में कितना अच्छा लगता है। और ठंड के दिनों में हमें सूप पीना ही चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। मशरूम का सूप बनाने में बहुत ही आसान है, साथ ही पीने में तो टेस्टी लगता ही है, और इसके फायदे भी काफी हैं। अगर आप मशरूम का सूप पीते हो तो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मशरूम का सूप बढ़ाता है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये सूप बहुत ही फायदेमंद है। उन्हें जो चीजें चाहिए अपने बॉडी के लिए, वो मशरूम वो कमी पूरी भी करता है। जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। विटामिन डी की कमी को भी पूरा करता है, ये फाइबर युक्त है। और सबसे अच्छी बात है कि सूप में कैलोरी नहीं होती, मशरूम में कैलोरी बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसलिए जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए सूप बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं मशरूम का टेस्टी सूप बनाना। तो ये देखिए, मशरूम सूप बनाने के लिए मैंने लगभग 200 ग्राम मशरूम लिए थे, जिसे अच्छी तरह से वॉश करके छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और ज़्यादा बड़े नहीं थे तो लगभग 2 से 3 टुकड़े ही किए हैं मैंने। और मैंने यहाँ पे 2 मशरूम रखे हुए हैं, क्योंकि सूप बनाने के बाद में मैं गार्निशिंग करूंगी, तो इसके स्लाइस करके मैं बटर में भून लूंगी, जिससे बढ़िया लगता है देखने में और खाने में भी बढ़िया क्रंच आता है। तो शुरू करते हैं मशरूम सूप बनाना। तो ये देखिए, सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर ले लिया है, धीमी आंच पे गैस ऑन कर दिया है। तो एक बड़ा टुकड़ा मैं इसमें बटर डाल रही हूँ, बटर से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, चाहे तो आप ऑयल भी डाल सकते हो। तो ये देखिए, बटर बढ़िया मेल्ट हो रहा है। तो अब मैं इसमें लगभग 5 से 6 कलियां लहसुन की डाल रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और 2 बड़े मैंने अनियन लिए हुए थे, जिसे स्लाइस में कट किया हुआ है, और मैं इसमें ग्रीन चिली डाल रही हूँ 2। तो अगर आपको स्पाइसी सूप पसंद है तो आप अपने पसंद के हिसाब से मिर्ची डाल सकते हो। तो मैंने 2 हरी मिर्च ली हुई है, और साथ ही मैं इसमें मशरूम भी डाल दूंगी, जो मैंने कट करके रखे हुए हैं। और अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, नमक डालने से जल्दी से मॉइस्चर उड़ेगा और बढ़िया कैरेमलाइज, एक बहुत बढ़िया कलर भी आता है प्याज में भी। और अच्छी तरह से भून लेंगे फुल आँच पर लगभग 2 से 3 मिनट। ये देखिए, प्याज और मशरूम को मैंने अच्छे से भून लिया है। आप तो जानते ही हैं कि मशरूम काफ़ी पानी छोड़ता है, तो जैसे मैंने डाला था, भूनना शुरू किया था, काफ़ी पानी छूट गया था, और मैंने नमक भी डाला था। तो आप देख सकते हो प्याज बढ़िया कैरमलाइज हो गया, जल्दी से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, हम नमक डाल देते हैं, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही, क्योंकि अच्छी तरह से भून चुका है प्याज और मशरूम। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी, तो पानी मैंने गर्म कर लिया है, तो मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ, और मैं इसमें गर्म पानी ही डाल रही हूँ। इस टाइम पे आप ठंडा पानी ना डालें, क्योंकि जो प्रोसेस होती है हमारी कुकिंग की, वो रुक जाएगी अगर आप ठंडा पानी डालते हो। तो ये देखिए, जैसे ही पानी डाला, बढ़िया उबाल आ चुका, क्योंकि गैस की आंच भी फुल है और पानी भी गर्म डाला है। तो बस अब मैं ढक्कन लगा दूंगी कुकर का। तो अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, और मीडियम आँच पर मैं 2 सीटी लगा दूंगी, 2 सीटी में आराम से मशरूम पक जाएगा। तो ये देखिए, मशरूम सूप बनाने के लिए मैंने 2 सीटी लगा ली थी मीडियम आंच पे, और उसके बाद में मैंने इसका प्रेशर पूरी तरह से जाने दिया है, और 5 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तभी पीसना चाहिए मिक्सर जार में। तो ये देखिए, थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है, तो अब मैं पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, मशरूम को मैंने पीस लिया, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया क्रीमी टेक्स्चर आया है, बहुत ही बढ़िया थिकनेस है। और मैं इसे छान नहीं रही हूँ, क्योंकि अच्छा फाइबर है ये, हमें खाना ही चाहिए, आप चाहे तो छान सकते हो। तो अब मैं इसे एक कढ़ाई में डाल रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से गर्म कर ले। तो अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूंगी, और अब हमें दोबारा कोई बटर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये देखिए। और अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, अभी हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, क्योंकि ठंडा हुआ था जब हमने पीसा था। तो अभी ये सूप हमारा काफ़ी गाढ़ा है, तो जिस मिक्सर जार में मैंने पीसा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने, ये देखिए, तो लगभग 1 कटोरी के करीब, 1/2 कप मतलब पानी डाल दिया मैंने, तो लगभग 1/2 कप मैंने पानी डाल दिया है। तो जो सूप है, आपको कितना पतला या गाढ़ा रखना, आप अपने पसंद के हिसाब से पानी डाल सकते हो। आप पानी डाल सकते हो, या आपके पास वेजिटेबल स्टॉक है तो वो भी डाल सकते हो, उससे सूप और भी हेल्दी बनेगा। वैसे मशरूम का सूप काफ़ी हेल्दी होता है, विटामिन डी से भरपूर होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, और इन दिनों में तो हमें ये पीना ही चाहिए, ठंड में तो पीना ही चाहिए, और वैसे आजकल जो कोरोना का टाइम चल रहा है उसमें हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। तो अब मशरूम के सूप का लगभग 2 से 3 मिनट फुल आंच पे उबाल लूंगी, और लगातार इस तरह से चलाती रहूंगी। और आपको याद होगा कि मैंने इसमें
जब पकाया था मशरूम को तो उसमें ग्रीन चिली डाली थी, तो मैंने इसको टेस्ट करके देख लिया, नमक भी ठीक है और स्पाइसीनेस भी ठीक है। अगर आप चाहे तो ऊपर से इसमें काले मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसमें काले मिर्च का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो बस अब मैं इसे उबाल लेती हूँ। तो ये देखिए, मशरूम सूप को गार्निश करने के लिए मैंने जो मशरूम रखे हुए थे बचा के, ताकि मैं उसका डेकोरेशन कर सकूं सूप का, तो मैंने हल्का सा बिल्कुल बटर डाला तवे पे और इसे देखिए बिल्कुल पतले पतले स्लाइस किए थे और इसे रोस्ट कर लिया। इसे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और मशरूम का सूप जो है देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये देखिए, मशरूम सूप को मैंने लगभग 2 से 3 मिनट फुल आंच पे उबाल लिया है। बहुत ही बढ़िया सूप दिख रहा है हमारा, क्रीमी बिल्कुल, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया है। मैंने इसे टेस्ट कर लिया। आप जब भी सूप को उबालो, मतलब उससे पहले सर्व करने के पहले एक बार टेस्ट जरूर कर लो। तो अभी ये सूप पीने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। और ये देखिए, गर्मा गर्म मशरूम का सूप बन के तैयार है पीने के लिए। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, जल्दी से बन जाता है और पीने में यह बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने इसमें कोई क्रीम का यूज़ नहीं किया हुआ है, आप चाहे तो क्रीम डाल के भी पी सकते हो, ये बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि बच्चों को क्रीम पसंद होती है तो वो लोग पी भी सकते हैं अगर क्रीम डालते हैं। लेकिन ये जो मशरूम का टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है, अपने आप में ये टेस्टी लगता है, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं लगती इसमें। तो आप भी मशरूम सूप की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद बताइएगा भी कि आपको मशरूम का सूप कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।